जो स्वामी जी सुख करताल से गद्दी पर विराजमान है, सभी उनके प्रवचन सुनकर जब जाएंगे इससे पहले कोई उठने की कोशिश ना करें। जो बोले सो निर्भय, परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर दास जी महाराज की जय। सतगुरु नानक देव जी महाराज की जय। सतगुरु घीसा संत जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। और हमारे मसीहा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब, जय भीम जय भारत, जिनकी बदौलत आज हम खुले में सांस ले पा रहे हैं। गुरु की प्यारी सात संगत जी, पूरी रात से हमारे संतों महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से हमारे समाज को समझाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो मेरे समाज का युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा से दूर होता जा रहा है, जो बहुत ही सोचने का विषय है। जो सत्संग रूपी वृक्ष हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने लगाया, जिसकी छाया में पूरा समाज बैठा और उन्नति की राह पर चला, उसमें आजकल देखने में आ रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा से दूर हो रही है और नशे की आदि होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही विनाशकारी है। आज देश के हालात आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से चारों ओर तराहिमाम मचा हुआ है। मेरा खास करके मेरे नौजवान साथियों से निवेदन है कि अभी भी समय है, अभी भी अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो जीवन हमें इन संतों गुरुओं महापुरुषों से पहले जीवन जीने के लिए मजबूर और लाचार कर दिया गया था, कहीं फिर से हमें वो जीवन दे जीने के लिए मजबूर ना होना पड़ जाए। तो एक भजन के माध्यम से अपने नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा साथ संगत जी, कि इन संतों गुरुओं से पहले का हमारा जीवन किस प्रकार का हमें जीने के लिए मजबूर और लाचार कर दिया गया। क्या मेरा समाज का युवा फिर से वही जीवन जीना चाहता है, या इन संतों गुरुओं महापुरुषों के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। मैं कोई गायक तो नहीं, लेकिन जो शब्द कहूंगा उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी मातृशक्ति भी और युवा साथी और बड़े बुजुर्ग ध्यान से सुने। बाबा से पहले सोच तू कैसी थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोच तू कैसी थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोच तू Thank you.
मेरे नौजवान साथियों, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, सदियों तक हमारे महापुरुषों ने, हमारे समाज ने भारतवर्ष में राज किया। उसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे महान सभ्यता इस देश की थी, जो सभी खुशहाल जीवन जिया करते थे। लेकिन कैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया? रहने को इस जहां में तेरा न कोई घर था, बस वो कथा ठिकाना तेरा न कोई दर था। रहने को इस जहां में तेरा न कोई घर था, बस वो कथा ठिकाना तेरा न कोई दर था। जमींदार तेरे संग में, जमींदार तेरे संग में करता था मन माने, सब जान कर भी अब तू करता है बाबा से पहले सोच कैसी थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनतानी। नौजवान साथियों, इस देश में सदा से दो विचारधारा चली आ रही है। एक विचारधारा है जो मानव मानव में भेद रखना चाहती है, ऊंच नीच बनाए रखना चाहती है, और एक विचारधारा हमारे संतों महापुरुषों की है, जो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यही विचारधारा का इस देश में चल रहा है। लेकिन आज जो दूसरी विचारधारा है, वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को दफन कर देना चाहते हैं, हमारे इतिहास को दफन कर देना चाहते हैं। जो भारत का संविधान, जो हमारा सुरक्षा कवच है, जिसमें हमारे सभी संतों महापुरुषों की वाणियां हैं, जिनको कानूनी रूप दे दिया गया। संविधान कोई और चीज नहीं, बाबा साहब ने जो हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा है उसी को कानूनी रूप दिया है, उसी चीज को खत्म करना चाहते हैं। शिक्षा के बदौलत आज हमारा समाज उन्नति की राह पर चला, लेकिन अभी अभी हरियाणा सरकार ने एक आदेश पारित किया कि जो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएंगे उसकी 1100 रुपये महीना की फीस हरियाणा सरकार देगी, और जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे उसकी 2500 रुपये महीना उसके माँ बाप को देना पड़ेगा। तो इसके पीछे का षड्यंत्र हमें समझना होगा। हमारा 80-90% समाज आज भी हैंड टू माउथ है, सुबह कमा लिया शाम को खा लिया, कहाँ से अपने बच्चों की 500 रुपये महीना फीस भर सकेंगे? क्योंकि कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लिया गया है। हमें सोचना होगा कितने बड़े षड्यंत्र हमारे साथ किए जा रहे हैं। और कैसा जीवन था? पशुओं के जैसा जीवन इस देश में था तेरा, जीवन भरात काली कभी आया ना सवेरा। पशुओं के जैसा जीवन इस देश में था तेरा, जीवन
बरात काली कभी आया ना सवेरा, आज पाके मौज मस्ती, आज पाके मौज मस्ती, भूला तू सब कहानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनकानी। बाबा से पहले सोची कैसी थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनकानी। बाबा से पहले सोची। मेरे नौजवान साथियों, ये जो आज हम सूट बूट पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े फोन चला रहे हैं, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी कष्ट कमाई का पैसा है। भूखे प्यासे रहकर पशुओं की तरह रात दिन मेहनत करके तब जाके हमें इस लायक बनाया, लेकिन आज हम अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना भूल गए, अपने संतों गुरुओं का मान सम्मान करना भूल गए और दूसरी ही विचारधारा में चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई सतगुरु रविदास जी बचाने वाला आने वाला नहीं, कोई बाबा साहब बचाने वाला नहीं, अगर अब की बार गुलाम हो गए। जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो गया, उस दिन आप सब भी खत्म हो जाओगे। हर रोज हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जाते हैं, हिंदू राष्ट्र तो अब भी है, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, डीएम कलेक्टर सब हिंदू, और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसके पीछे का षड्यंत्र समझिए। हिंदू राष्ट्र की आड़ में फिर से वही मनुवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था, कि जिसका जो काम जहां जन्म लिया उसी पायदान में रहे, कोई बराबरी नहीं कर सके। इसी बात की तो विचारधारा की लड़ाई हमारे महापुरुषों की है। हमारे जितने भी संत हुए, सबने समानता की बात कही, सबने बराबरी की बात कही। आज हमारे संतों को भी जान से मार देने की धमकी दी जाती है खुलेआम, ये बहुत गंभीर सोचने का विषय है, क्योंकि उनको चुभ रहा है कि शुक्रताल जैसे पावन धरा पर सबसे बड़ा मंदिर सतगुरु रविदास जी का है, और एक और ऐतिहासिक गुरुगद्दी हमारी सतगुरु समनदास जी की बनने जा रही है, वो उन लोगों को मंजूर नहीं है, वो चाहते हैं ये फिर से हमारे गुलाम बने रहे। लेकिन मेरे समाज के युवाओं, अभी भी समय है, सारी इधर उधर की बातें छोड़कर अपने संतों गुरुओं के बताए मिशन पर लग जाओ तो हम कामयाब हो सकते हैं। और कैसा था, क्या क्या महापुरुष ने हमारे लिए, द्वार खोले तुझे राजा भी बना।